कभी बहु, कभी सास कभी बहु। सुबह सुबह ऊपर धड़ाम धड़ूम धड़ाम धड़ूम कर रहा है, कमबख्त काम भी नहीं करने दे रहा है मुझे तो। ये ऊपर एक नया मेंबर शिफ्ट हो रहा है। ऊपर शिफ्ट हो रहा है, आवाजें ऐसी आ रही जैसे लगता है थोड़ी देर में ये नीचे शिफ्ट होने वाला है। गुड मॉर्निंग डैडी। अरे व्हाट गुड मॉर्निंग बेटा, देयर इज नथिंग गुड अबाउट दिस मॉर्निंग। क्यों, मम्मी ने फिर कुछ कह दिया क्या? नहीं, मम्मी ने नहीं, वो सुबह से कोई ऊपर आया हुआ है, शिफ्ट कर रहा है, जीना हराम कर रखा हमारा। ठाक ठोक ये देखो फैशन डिजाइनिंग का काम वो भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अब ये देखो हाथ काटने जा रहा था, ये गला कट गया। ओफो डैडी जी, आजकल कितने चिड़चिड़े हो गए हैं आप। मैं चिड़चिड़ कर रहा हूँ? देखिए ये सवाल भी कितने चिड़चिड़े स्वर में पूछ रहे हैं आप। क्यों ना करूँ, सुबह से जो भी काम करने जा रहा हूँ सब गड़बड़ हो जा रहा है मेरे से। डैडी जी थोड़ा सा नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। What? Come again? मैं नेगेटिव थो। देखा तुम्हारी बहू क्या बोल रही है मुझसे। ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। क्यों मोहित? अब पता नहीं। अरे क्या पता नहीं? मतलब क्या सही? What काजल? Sorry मम्मी जी, लेकिन आपने आजकल ऑब्जर्व नहीं किया डैडी जी कितना नेगेटिव सोचने लगे हैं? मतलब कोई भी काम करना हो आप डैडी से कुछ भी पूछ लीजिए, इनकी जबान पर हमेशा एक ही बात होती है, नो नहीं। ए जी क्या ये सही है? नो नहीं। देखा मुझे जैसा सोचना चाहिए मैं वैसे ही सोचता हूँ, दैट्स ऑल। ओके नहीं डैडी जी, आप वही सोचते हैं जो नहीं सोचना चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना, नेगेटिव थिंकिंग से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और जो नहीं होना चाहिए ना वही हो जाता है। बस बहुरानी बस, अब ये लेक्चर झाड़ना बंद करो। तुम जाओ हाँ बेटा, नहीं तो लेट हो जाओगी। ओह माय गॉड लेट हो गई, जल्दी जाओ वरना बस छूट जाएगी। एक मिनट वो फोन उठा दी जाना। लेकिन हेलो मिस्टर अवस्थी। मिस्टर अवस्थी देखिए यहाँ पर तीन मिस्टर अवस्थी है, मोहित अवस्थी, वीरेंद्र अवस्थी। अच्छा उन्हीं को एक मिनट, डैडी जी आपके लिए फोन है। मना कर दो मैं नहीं हूँ, बोल दो। देखिए आप थोड़ी देर के बाद फोन करेंगे, एक्चुअली काट दिया, इनफैक्ट पटक दिया। खुद का फोन है पटके, कॉन्ट्रैक्ट गया आपके हाथ से। कुछ नहीं जाने वाला है, जो मेरे किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा। ओके ओके बाय। देखो आया, उठा की जा रही, उठाओ ना फोन। हेलो, ओ सॉरी सर, नहीं सर मैं बस अभी निकल ही रही थी, नहीं सुनिए तो। ओ माय गॉड, अरे क्या हुआ? मेरी बस छूट गई, अब तो छुट्टी मेरी। अरे छुट्टी, वेरी गुड। काजल आज है ना, तुम एसी वाले को फोन कर देना, एसी खराब हो गया है, जल्दी ठीक करवा लो, वरना कभी कभी एसी ठीक काम नहीं करता है तो फैन भी खराब हो जाता है। फिर से नेगेटिव थिंकिंग, हे भगवान। देखिए डैडी जी बस दैट्स इनफ काजल, बहुत हो गया है नेगेटिव थिंकिंग। तुम सोचो जरा, तुम किनसे बात कर रही हो? फाइन, अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। गुड, कुछ भी नहीं बोलूंगी। अप्रिशिएट दैट। ओके थैंक गॉड। कुछ देर तक ये लोग इसी तरह से ठाक ठोक करते रहेंगे ना तो ये छत टूटकर कभी भी सर पे गिर सकती है। क्या है मोहित, क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी देर से खराटे मार रही हो तुम। दिमाग से ठीक है मोहित, मैं खड़ा ऊपर देखो। ऊपर क्या, भगवान खराटे मारा रात को? मेरे भगवान मोहित, ऊपर देखो, एसी की आवाज आ रही है। एसी की तो ना है साहब, इस घर में सब होगी। ठीक है
एसी वाले को फोन नहीं किया? किया था लेकिन आया नहीं. आया नहीं? कूलिंग तो कर नहीं रहा है एसी, ऐसे ही चला रखा है. बंद करता हूँ. अरे मोहित बंद कर दो, तो मेरी तो गर्मी में जान निकल जाएगी. अब तो पंखा चला देते है ना. आइडिया अच्छा, चला दो फिर. लो जी लग गया पंखा. तुम बैठ क्यों गए मोहित? पंखा ऑन करो ना. कर दिया ना ऑन. कहाँ चल रहा है पंखा? नहीं चल रहा है तो क्या करूं मैं? जाके पूछो अपने डैडी से, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं. अब इस पंखे के नहीं चलने से मेरे बेचारे डैडी का क्या संबंध है? तुम्हारे बेचारे डैडी नहीं कहा था कि अगर मैकेनिक को नहीं बुलाओगे ना तो एसी बंद पड़ जाएगा? तो पड़ गया बंद. तुम चुप करो काजल, कभी मेरी मम्मी कभी मेरे डैडी, तुम मेरे खानदान के पीछे पड़ गई हो. चल गया पंखा. क्या हवा है ना. क्या हवा है. इतने में तो सो ही जाऊंगी. आनंद दुश्मन है ये मेरा. तुमने पंखा क्यों बंद किया मोहित? मैंने नहीं बंद किया, अपने आप बंद हो गया. अपने आप? तुम्हारे डैडी ने कहा था. क्या कहा था मेरे डैडी ने? यही कि अगर एसी बंद हो जाएगा ना तो पंखा भी नहीं चलेगा. सो बंद हो गया पंखा, नहीं चल रहा है. अब बैठो इस गर्मी में. ये पंखा नहीं चल रहा है उसमें तेरे डैडी का कोई कनेक्शन नहीं है. इसका लूज कनेक्शन जैसे तुम्हारा कनेक्शन लूज है वैसे. मुझे नहीं पता, मेरी जान निकल जाएगी. गर्मी लग रही है मुझे मोहित, मैं कैसे सो, मैं मर जाऊंगी इस गर्मी में. कुछ तो करो, पंखा चलाओ. चल जा चल जा चल. मेरे भगवान कुछ करो, गर्मी लग रही है मुझे मोहित. ऐसे चलाते हैं. सो जा. सुबह ऑफिस जाना है ना मुझे. ठीक है मोहित, और जोर से. क्या है इस पेपर में? कुछ भी नहीं है पढ़ने जैसा. छे तो फिर मेरे पास आ जाओ, बैठो, योगा करो, पद्मासन में बैठ के प्राणायाम करो. मुझे नहीं करना है प्राणायाम. प्राणायाम क्यों? मेरे पैर कहीं एक दूसरे में फंस जाएंगे ना तो वैसे ही मेरे प्राण निकल जाएंगे. तुम तो हमेशा उल्टा ही सोचते हो. आए पता नहीं कैसे आज पहली दफा ऐसा हुआ है. डैडी जी ने कुछ नेगेटिव तो नहीं कहा? मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि प्राणायाम करने. अब बस आगे कुछ मत बोलना, अगर बोलना है तो पॉजिटिव बोलो. वो कल से इस घर में नेगेटिव पॉजिटिव की क्या बातें चल रही है. चाय पियो के वीरू? नहीं, चाय पीने से मुझे एसिडिटी हो जाती है. अच्छा भाई, किसको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए? आओ, हमको चाय पीना है. संभाल के जाना, कहीं ऐसा ना हो गिर पड़ो. मैं संभाल के ही चलती हूँ. लो, लो, ये क्या हो गया? क्या हो गया, दिख नहीं रहा है. मैंने बोला था ना कि संभाल के चलो. आगे क्या बोला था? चुप रहो तुम. क्या कहा था मैंने आगे? क्या कहा था बोलो. रिलैक्स डैडी, रिलैक्स. इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए. कल एसी भी बंद हुआ तो इसे लग रहा है कि आपकी वजह से हुआ. क्या? कोई मम्मी तुम ठीक तो हो? हाँ बेटा. हाँ मम्मी को क्या हुआ, मम्मी तो ठीक ही होंगी. चाय तो मेरे ऊपर डाल दी इन्होंने. तो तुम्हें ये बोलने की क्या जरूरत थी कि ठोकर लगेगी? ओके, इसका मतलब है कि आप भी यही समझते हैं कि जितना कुछ भी यहाँ नेगेटिव हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है. ऐसा कब मैंने कहा है? मैंने सिर्फ ये बोला है कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव. लो सुनो डैडी क्या बोल रहे हैं. सुना? अब डैडी नहीं, अब मैं भी यही बात कहूंगी. क्या? अरे तुम ये नो कहना छोड़ दो और यस यस कहो. यस यस मतलब क्या करूं? हाँ डैडी, बिकम अ यस मैन. व्हाट मतलब? ये कि हिंदी में नहीं की जगह हाँ कहो और नो की जगह यस कहो, समझे? यस. गुड. यस. शाबाश. यस. यस. हाँ हाँ. यस यस यस. ओके 5 बजे नो प्रॉब्लम. यस यस. ओके. कौन थे वीरू? वो योगा प्रमोशनल ट्रस्ट वालों का फोन था, चंदे के लिए आ रहे हैं. मंदी के साइड इफेक्ट्स. अमेरिका डॉलर.
थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. किस लिए? डैडी जी को यस मैन बनाने. ओह नो बेटा, वो क्रेडिट मुझे नहीं तुमको जाती है, क्योंकि तुमने अपने डैडी को नो मैन से यस मैन बनाया. हेमा 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 जल्दी मेरे साथ चलो ना, दो गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं. नहीं नहीं, वो भी घर पर नहीं है. ऐसा है तो पुलिस को फोन कर दो. नहीं नहीं, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है. तुम्हारे घर पर कोई मतवर नहीं है क्या? ओह नहीं. है ना? कहा ये मैं मर्द हूँ. ओ मम्मी जी, आप मर्द से कम है क्या? मजाक कर रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ आपकी. अच्छा काजल, तुम क्या बढ़िया परफ्यूम लगा. मोहित मोहित मोहित, तुम मेरे साथ चलोगे? ऑफ कोर्स, कहाँ कदर की. दो गुंडों को मार ले, चलो चलो ना. कब से मैं जी छेड़ रहे हैं, तो मेरे साथ चलो, उनकी पिटाई करो. दो मिनट. हाँ? दो मिनट में आ रहा हूँ मैं. दो अरे, अरे 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 अरे, मेरे क्लाइंट्स आने वाले थे ऑर्डर. वाह, व्हाट अ परफ्यूम. आई एम सॉरी, लग रहा है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया. दैट्स राइट. वीरू वीरू वीरू, मैंने सुना है कि तुम बॉक्सिंग चैंप थे. यस, वेरी गुड वेरी गुड. यानी जब अगर जरूरत पड़े तो तुम गुंडों को भी पिटाई कर सकते हो, है ना? यस. तो भाई चलो ना मेरे साथ चलो. कहाँ? दो गुंडों की पिटाई कर ले. क्या? अरे ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे लगा कि तुम एक बहादुर मर्द हो. हो ना? हाँ, यस यस. चलो चलो. यस यस. वीरू चलो. वीरू जमकर पिटाई कर ले उन दोनों. वीरू वीरू, आई एम टेलिंग यू, वीरू मत जाओ. वीरू वीरू प्लीज वीरू. क्या हुआ क्या हुआ? जाने दो ना, वो मेरा बेटा है, चिंता मत. हाँ देखो, हाँ हाँ पिटाई कर दी. जॉब की पिटाई कर रहे हैं. अरे चैंपियन है, चैंपियन. पिताजी, मैंने मारने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे मारने का मौका ही नहीं दिया. कभी सास कभी बहु, कभी सास. मम्मी जी को. हाय बेटा, थैंक यू. इसको भी साफ कर दीजिए. हेमा हेमा, वीरू कहाँ है? क्यों, आज कौन से गुंडों से पिटवाओगी तुम मेरे पति को? नहीं नहीं, मैं तो ये बताने आई थी कि कल वीरू ने जिन गुंडों की पिटाई की थी ना, मतलब जिन गुंडों ने वीरू की पिटाई की थी ना, सारे लोगों ने मिलकर उन गुंडों की पिटाई कर करके पुलिस के हवाले कर दिया है. और पुलिस को ये भी बता दिया है कि पूरे एरिया में वीरू जैसा शरीफ आदमी और कोई नहीं है. मेरा वीर वीरू. हाँ डैडी जी, आपके यस एटीट्यूड ने आपकी लाइफ कैसे चेंज कर दी? कितनी चेंज कर दी बेटा, कि 32 के जगह 25 दांत रह गए मेरे. डैडी, बाहर दो औरतें आई हैं, पूछ रही हैं आप अवेलेबल हैं क्या? आप? या अवेलेबल हूँ. आई एम वेरी मच यस यस. मैं जरा देखूँ तो, एक तुम जरा हेल्प कर दो शर्मिली, कौन है? चलो चलो चलो. यस यस. मिस्टर वीरू, द ग्रेट फैशन डिजाइनर. या वीरू जी, ये है मिस्टर शर्मा. हाय मिस्टर शर्मा. मैं हूँ मिस वर्मा. हाय मिस वर्मा, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन थैंक यू. वीरू जी, क्या आप हमारे लिए अवेलेबल है? यस यस. अरे पूछ तो मुझे क्या काम है. ओह यस, वेल काम क्या है वैसे? काम चाहे कुछ भी हो ना डैडी, क्या फर्क पड़ता है? अगर जरा मुश्किल भी काम हुआ ना, तो मैं आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल हूँ मिस. ओके, काम डाउन काम डाउन. क्या काम है? अब दरअसल हमें एक एक्सपोर्ट कंपनी को कुछ डिजाइनर क्लोथ्स आज ही सप्लाई करने हैं. ओके वीरू जी, ये है डिजाइन, लेकिन हमारे पास डिजाइनर नहीं है. क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? यस यस. सो स्वीट ऑफ यू. रियली वीरू जी, आपसे पहले हमारे लिए ऑफर लेने को कोई तैयार ही नहीं था. That's all right, वो तो ठीक है. ये बताइए कि इसमें इनको मिलेगा क्या? अगर वीरू जी ने आज शाम तक हमें ये काम कर दिखाया तो हम इन्हें 5,00,000 रुपए देंगे. हाँ, और
कुछ एडवांस भी लाइक एक दो लाख रुपए एक दो पांच अच्छा 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 अब क्यों नहीं जरूर करेंगे जरूर करेंगे yes. ये मेरे हस्बैंड है मैं बोल रही हूँ करेंगे करेंगे yes. ये बताइए कि क्वांटिटी कितना है मैडम ज्यादा नहीं इन्हें हमें आज रात 9 बजे तक सिर्फ 1000 कपड़े बनाकर देने होंगे एक हजार हाँ well. वीरू जी आप करेंगे ना हमारा ये काम यस यस व्हाट यस रात के 9 बजे तक 1000 कपड़े नो सॉरी मिसेस शर्मा एंड मिसेस वर्मा इट्स नॉट पॉसिबल वीरू जी आप क्या कहते हैं वीरू जी पॉसिबल है ना यस लो मिल गया एडवांस यस कभी सास कभी बहू कभी सास कभी बहू अरे आ गए तुम लोग मोहित का है मोहित मोहित अरे अरे मोहित क्या हो गया मेरी बेटी को क्या आर यू ओके बेटा फाइन देखिए मैंने सारे कपड़ों की परचेसिंग कर ली है डैडी जी चेक कर लीजिए ठीक है ना यस 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 क्या कह रहे हो वीरू 9 बजे तक इतनी बड़ी डिलीवरी देनी है पता नहीं कैसे करोगे ये सब अकेले अकेले मैं अकेले कहाँ करने वाला हूँ मेरे साथ काजल है मोहित है तुम हो डैडी है मैं तुम्हारे फैशन डिजाइनिंग में क्या कर सकता हूँ डैडी आप गले काटिएगा और हाथ काटिएगा दैट्स ऑल राम 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 जिंदगी में मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है हाँ डैडी जिंदगी में मैंने कभी इतना ज्यादा यस बोला था क्या बोल रहा हूँ ना प्लीज लीजिए कैची और कीजिए कम नो नो नहीं डैडी यस बोलिए यस जिंदगी में हर काम के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए क्यों काजल राइट डैडी राइट कहाँ भाग रही हो यही खड़ी रहो तुम बिल्कुल भी मैंने अपना परचेजिंग वाला काम कर दिया है डैडी तो क्या हुआ है नाउ लिसन काजल मोहित हेमा एंड डैडी आप लोगों के कहने पे मैं यस मैन बना हूं और अब आप लोगों को ये साबित करना है कि यस कहने में क्या फायदा होता है इट्स ऑल योर फॉल्ट आपकी वजह से हुआ है हाउ इज इट माय फॉल्ट तुम्हारा फॉल्ट हां लेकिन ठीक है ना आपने भी तो कहा था ये तुम नहीं होती तो ये सब नहीं होता लिसन गाइस डोंट वरी आप लोगों ने मेरी मदद की थी आज मैं आपकी मदद करूंगी ओह दैट्स गुड वेरी स्वीट ऑफ हर सो स्वीट मैं अपने साथ इन हेल्पिंग हैंड्स को लेकर आई हूँ जो आपके काम में आपकी मदद करेंगे दैट्स रियली ग्रेट तो आप सब लोग मेरे इस काम को खत्म करने में मेरी मदद करेंगे जल्दी 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 992, 993, 994, 995, 996, 997 अरे 997 कितना हुआ डैडी 997 बेटा हैंग ऑन वहाँ पे एक मिनट एक मिनट अरे दो है 998 999 999 999 सब तो बने थे मैंने गिने थे पहले भी ये क्या है 1000 थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये है आपका 5 लाख रुपए का चेक थैंक यू हेमा जी इस चेक पर आपका अधिकार है अरे नहीं नहीं कैसी बातें कर रही हैं आप इस पर तो सब लोगों का हक है वैसे मिस्टर वीरू हमारे पास आपके लिए एक और गुड न्यूज है व्हाट इज दैट हमारी कंपनी ने आपके लिए अमेरिका टूर का एक टिकट भी भेजा है लेकिन वीरू जी अकेले हमारे साथ जाएंगे मतलब भाई प्लान ये है कि हमारी
10 इंटरनेशनल मॉडल्स एक साथ अमेरिका टूर पर जा रही है और वो सभी चाहती हैं कि इंटरनेशनली रिनाउंड डिजाइनर मिस्टर वीरू उन सब के साथ अकेले ही जाए. ग्रेट. अकेले? यस, क्योंकि इस टूर के दौरान वीरू जी हमें फैशन के सिलसिले में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे और हमारे मॉडल्स को गाइड करेंगे कि रैंप पर कैसे चलना चाहिए, मेकअप और कपड़ों में कैसे तालमेल बिठाना है. क्यों मिस्टर वीरू, आएंगे ना आप हमारे साथ? No. What? No. Yes. No. I mean no. You know, not without my wife. Oh. Not without Hema. Yes, sweetheart. America तो क्या, मैं स्वर्ग में भी हेमा के बिना नहीं जाऊंगा. My son. Hero. Sweetheart. तुमने मुझे yes man तो बना दिया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यही नहीं पता है कि मुझे कब यस बोलना है और कब नो बोलना है. सो आई नो व्हेन टू से यस एंड व्हेन टू से नो. ओके 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 ओके. फर्ज कीजिए कि हेमा जी को भी हम साथ ले जाए तो तो आप आएंगे?